चार किलो गेहूँ और 12 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल। सर सुबह 6 बजे आ गए थे। 6 बजे तो इतनी देर लंबी लाइन लगती है? हाँ जी भाई, ये क्या अच्छा सरकार कर रही है गरीबों के लिए, अच्छी बात है। ये हमारी मांग पिछले कई सालों से चल रही थी, केंद्र सरकार ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। अभी ऑब्जेक्शन लगाया था कि उसका नाम मुख्यमंत्री योजना मत रखिए, हमने वो भी कहा जो मर्जी है अपना। डिलीवरी वाली जो योजना है उस पर तो केंद्र सरकार ने अभी रोक लगा दी है, लेकिन दिल्ली सरकार का जो राशन है वो अभी फ्री लगातार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं, 9 बजे राशन शुरू होता है, हम लोग रोजाना 100 लोगों को पर्ची बांटते हैं ताकि भीड़ पे रोड पर भीड़ ना रहे। पर्ची मिली? अच्छा, एक दिन पहले मिल गई थी आपको पर्ची? जी। तो राशन कार्ड है आपका कि नहीं? जी नहीं सर, यहाँ आधार से नहीं मिलता, सिर्फ राशन कार्ड ही होता तो हालात क्या होते, स्थिति क्या रहती फिर? क्या होती सर, कोई नहीं मिलता, नहीं थोड़ी मुश्किल हो जाती, बहुत मुश्किल हो जाती। और इन्हीं सब के बीच में खड़ा हूँ। अच्छा, चावल है और राइस की क्वालिटी, चलिए मैं हाथ बोलता तो गिर जाएगा, आप खुद ही करके देख लीजिए जो क्वालिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा 60 लाख लोगों को राशन मिलता, 12 लाख का अंडर टेबल राशन खत्म हो जाता है, जो राशन के दुकानदार हैं वो खा पी जाते हैं। हम उसका नाम, फ़ोन नंबर या तो आधार है तो आधार से, नहीं तो फ़ोन नंबर से रजिस्टर कर लेते हैं। केंद्रीय सरकार को चाहिए कि लोगों के एक एक आइटम, जो भी कोई व्यवस्थाएं हैं वो घर पहुँचे। जी मैं रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ इन सबका, इनके आधार कार्ड से सारे जितने भी फैमिली में मेंबर्स हैं उनका आधार नंबर नोट करने के बाद इस पर रजिस्टर हो जाता है। लाइन भी मैडम भादरा लंबी है, बाहर का तो हम बार बार कह रहे हैं पर वो लोग। और इस बार तो सेकंड पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारी जाने गई हैं। और ये जो केजरीवाल सरकार की स्कीम है ये बहुत अच्छी स्कीम है। बिल्कुल सर, जो नीडी है वो आ रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं लोग, उनको मिल रहा है। आदाब नमस्कार, मैं उकरम खान, द न्यूज़ गेट में आपका स्वागत है। घरों में राशन डिलीवरी वाली जो योजना है उस पर तो केंद्र सरकार ने अभी रोक लगा दी है, लेकिन दिल्ली सरकार का जो राशन है वो अभी फ्री लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल विवेक विहार में हूँ और यहाँ पर अंदर राशन बढ़ रहा है उसकी भी स्थिति बताऊँगा और बाहर जो लाइन लगी हुई है जो हालात है वो भी आपको बताता हूँ। देखिए हालात, क्योंकि सभी, क्योंकि जिनके राशन कार्ड हैं वो भी ले सकते हैं और जिनके राशन कार्ड नहीं हैं वो अपना आधार लाकर दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ से इनकी सबकी लाइन लगी हुई है और पूरे पीछे तक ये लाइन लगी। कितने बजे आ गए थे सर? सुबह 6 बजे आ गए थे। 6 बजे तो इतनी देर लंबी लाइन लगती है? हाँ जी। राशन कार्ड है आपका? नहीं, राशन कार्ड नहीं, आधार कार्ड है। अच्छा, आधार पे मिल जाएगा? हाँ जी। चलिए, क्या मुन्ना इनके साथ हो या अलग हो तुम? अलग हो। अलग हो, आधार बन गया? हाँ आधार है। अच्छा, तो अपने परिवार से राशन लेने आए हो? अच्छा चलो ठीक है, आप भी आओगे। आप कब से लगे हो? मैं अभी 6 बजे का लगा हुआ हूँ। अच्छा, वो अभी तक नंबर नहीं आया अभी। चलो आज अभी क्या टाइम हुआ है? 12 बजे। तो 6 घंटे में, यानी लाइन बहुत लंबी है। लाइन तो लंबी है। अच्छा। अभी कुछ खाया भी है, कुछ नहीं है, बस लाइन में खड़े हैं। अच्छा, तो अभी जो राशन मिल रहा है सरकार की तरफ से, इसके लिए क्या बोलोगे? भाई ये क्या अच्छा सरकार कर रही है गरीबों के लिए, अच्छी बात है। अच्छा चलिए, देखिए ये एक लंबी लाइन थी इधर पीछे और इधर भी ये सब लोग हैं। और अब अंदर की जो स्थिति है वो मैं दिखाता हूँ आपको। अंदर देखिए हालात, ये बताओ इधर क्या ले लिया आपने? हाँ जी ले लिया। अच्छा, क्या क्या मिल गया? 4 किलो गेहूँ और 12 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल। सब बोल के ओके हैं? राशन कार्ड था या आधार पर मिला है? आधार कार्ड पे। आधार पे मिल गया? चलिए आधार पे मिल गया, क्योंकि उनके लिए तो आसानी थी। और आपको भी सब इधर मिल गया, साथ में है? अच्छा साथ में है। अब देखिए साहब इधर है और जो लाइन थी पीछे इधर बाहर लगी हुई थी, यहाँ पर सर्कल्स बने हुए हैं, सबको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर, यानी जो भी सारा राशन है सारा इधर मुहैया है। और जो वॉलंटियर्स हैं सारे के सारे वो इन वॉलंटियर्स को इधर सब मैनेज कर रहे हैं। इधर आप ही हैं? इधर कौन देख रहे हैं? आप ही देख रहे हैं आप इधर? जी जी। तो बताने लोग सुबह 6 बजे से लाइन में खड़े हुए हैं, 6-6 घंटे हो गए। अरे यार, कल एक्चुअली परसों राशन ख़त्म हो गया था तो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लोगों पर इन्फॉर्मेशन नहीं थी और लेने वाले राशन बहुत ज़्यादा हैं कि वैसे वो सोच रहे थे कि जल्दी आएंगे तो हमें राशन जल्दी मिल जाएगा। ऐसा नहीं, 9 बजे राशन शुरू होता है, हम लोग रोज़ाना 100 लोगों को पर्ची बांटते हैं ताकि भीड़ पे रोड पर भीड़ ना रहे। तो उनको 100 लोगों को हम वो पर्ची देते हैं, तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लोगों को राशन दिया जाता है। तो दिन में तकरीबन 100 लोगों को, दिन में एक दिन में 100 लोगों को राशन दिया जाता है। 100 लोगों? अच्छा, बाकी के जो रह जाते हैं उनको पर्ची देते हैं या आने के बाद? उसी सेम डे उन्हें पर्ची दे देते हैं कि अगले दिन की जो बुकिंग हो जाती है उनकी, अगले दिन वो आकर यहाँ से राशन ले लेते हैं। उस दिन कितने लोगों को पर्ची करते हैं? क्योंकि अगर पहले वाले भी और उस दिन भी, फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। नहीं नहीं, एक दिन पहले पर्ची देते हैं, जैसे हमने आज पर्ची दी है कल वालों के लिए। अच्छा, तो वो आज पर्ची लेकर चले गए, कल वो आकर अपना लाइन से रखकर सीरियल वाइज से अपना राशन लेकर जाएंगे।
सब वॉलंटियर्स हैं आप लोग, सब इधर के हैं, सब इधर आ जाते हैं सब लोग ये सब करने के लिए। हाँ जी, चलिए। और बाकी ये सब लोग इधर ही हैं सारे इधर? हाँ, ये अच्छा, ये इन लोगों को पर्ची दे रखी है हम लोगों ने। चलिए, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, पर्ची आपको मिली है? जी सर, पर्ची मिली है। अच्छा, एक दिन पहले मिल गई थी आपको पर्ची? जी। तो राशन कार्ड है आपका कि नहीं? जी नहीं सर, यहाँ राशन कार्ड नहीं है। आधार भाई आपको मिल रहा है? अच्छा, आपको भी आधार से ही मिल रहा है? हाँ जी। राशन कार्ड नहीं है? नहीं। अच्छा, तो अगर आधार से नहीं मिलता, सिर्फ राशन कार्ड ही होता, तो हालात क्या होते, स्थिति क्या रहती फिर? क्या होती सर, कोई नहीं मिलता, नहीं थोड़ी मुश्किल हो जाती, बहुत मुश्किल हो जाती। अच्छा, चलिए, देखिए सर्कल्स हैं, डिस्टेंसिंग को इधर मेंटेन कर रखा है, अंदर है बाहर तो खैर मैंने दिखाया था, मुझे बोलने की इसमें जरूरत नहीं है। इधर मैडम आप क्या चेक कर रही हैं, सबको स्लिप दे रही हैं आप? हाँ जी, मैं रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ इन सबका, इनके आधार कार्ड से सारे जितने भी फैमिली में मेम्बर्स हैं उनका आधार नंबर नोट करने के बाद इस पर रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद फिर हमें स्लिप देते हैं कि इतने फैमिली मेम्बर्स को राशन दिया जा सकता है, उसके बाद वहाँ से कलेक्ट कर लें। अच्छा, मान लीजिए कोई एक आधार कार्ड आता है और राशन ले जाता है, ठीक है, चार दिन के बाद वो फिर आधार ले आता है, तो आप कुछ ऐसा डालती हैं इसमें कि पता लग जाए? अगर कोई पहले ले चुका है राशन या फिर ऑलरेडी कहीं राशन कार्ड में रजिस्टर्ड है, तो उसका हमारे पास आ जाता है कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हम उसको राशन नहीं प्रोवाइड करते। उसमें कितना गैप रखा हुआ है एक राशन देने में और दूसरे में? कितना दिन का? दो दिन पहले ही शुरू हुआ है, शायद एक महीने का गैप रहेगा लास्ट ईयर के हिसाब से। अच्छा, तो इसमें जो 11 किलो गेहूं है वो चार लोग फैमिली मेंबर्स को लेकर आए या छः को? इसमें हमारे पास जितने आधार कार्ड फैमिली के वो देंगे, तीन के देंगे तो तीन लोगों का मिलेगा, चार के देंगे तो चार को, और छः का प्रोवाइड करते हैं तो छः लोगों का मिलेगा। एक घर में अगर छः लोग हैं तो छः का राशन आधार लाना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके मुताबिक ये मिलेगा। देखिए, ये अभी मैडम ने सारी अपनी बातें रखी हैं, और अब दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल जी का फीडबैक लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि वो इस मुतालिक और इसके बारे में क्या कहते हैं। और ये भी पूछेंगे कि जो गरीबों तक घर में पहुंचाने की जो अनाज की योजना थी उसके ऊपर जो केंद्र सरकार ने रोक लगाई है, उस पर उनका क्या रवैया है और सरकार क्या सोच रही है, आइए लीजिए बात करते हैं। सर, आपकी पूरी योजना जो थी वो डोर घर के लोगों को डिलीवरी करवाने की थी गरीब लोगों की, ऑब्जेक्शन लगाया गवर्नमेंट ने, सर अब आपकी मांग है कि पूरे भारत में योजना लागू होनी चाहिए, तो दिल्ली से टैकल अभी नहीं हो पा रहा है, इसको किस तरीके से आप लेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, दिल्ली गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से 72 लाख लोगों का राशन प्रतिवर्ष मिलता है, जो पिछले 10-15 सालों से बढ़ाया नहीं। अब उस 72 लाखों में से मैं समझता हूँ कुल सही मायने में ज़्यादा से ज़्यादा 60 लाख लोगों को राशन मिलता है, 12 लाख का अंडर टेबल राशन ख़त्म हो जाता है, जो राशन के दुकानदार हैं वो खा पी जाते हैं, इतना इसमें भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सबसे ट्रांसपेरेंट योजना ये है कि उनके घरों पर राशन भेज दिया जाए, यह हमारी मांग पिछले कई सालों से चल रही थी, केंद्र सरकार ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, अभी ऑब्जेक्शन लगाया था कि उसका नाम मुख्यमंत्री योजना मत रखिए, हमने वो भी कहा जो मर्जी आप नाम रख लीजिए, लेकिन जब चालू होनी थी ऐन वक्त पर उस योजना को रोक दिया। क्या केंद्र सरकार को डर लग रहा है कहीं कहीं, अब चुनाव भी आ रहे हैं, यूपी के भी हैं विधान और एमसीटी का भी है और भारत में, और क्योंकि पूरा दिल्ली से जो खबर निकलती है वो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाती है, क्या कहीं डर है? अकरम जी, ये राजनीतिक विषय, लेकिन आज की इस परिस्थितियों में जब देश में लोग मर रहे हैं, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं, पूरी की पूरी भाजपा अब यूपी के चुनाव के लिए लग गई। आप योगी का बयान देख लीजिए कि हमने कोरोना पे विजय प्राप्त कर लिए और अब हम 2022 के चुनाव में भी विजय प्राप्त करेंगे, पहले थर्ड फेज की चिंता कर लो। और उसके नाते से केंद्रीय सरकार को चाहिए कि लोगों के एक एक आइटम, जो भी कोई व्यवस्थाएं हैं, वो घर पहुंचे। लोग बाग पिज्जा घर मंगवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जाना चाहिए लोग बाग। मैं एक और भी राशन के साथ मैं शराब को भी जोड़ रहा हूँ, भाजपा वालों ने विरोध शुरू कर दिया, अरे हमसे पहले एक महीना पहले योगी ने शराब बांटना शुरू कर दिया, सारे सेंटर खोल दिए, तब आपको आपत्ति नहीं हुई? हमने यही तो कहा, मैं शराब नहीं पीता, ज़िंदगी में कभी नहीं पी, ना भविष्य में कभी पिएंगे, लेकिन मुझे अगर शराब मंगानी हो, मुझे लाइन में जाकर खड़े होने में शर्म आए, मैं अपने नौकर को भेजूंगा। क्या उसकी नौकर की जान खतरे में डालोगे कोरोना की लाइन में लगे? वो गरीब आदमी है, इसलिए वहाँ शराब की लाइन में लगे कोरोना ले आए? लेकिन वैसे जब पहले शराब का किया था ओके, तो बहुत ज़्यादा विरोध इसका हुआ नहीं था, लेकिन राशन वाले पे बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। अब इसका विरोध आखिर करें क्या ये लोग? इनके पास ये कहने को तो कुछ है नहीं, हमने ये काम कर दिया, कुछ भी कहने को नहीं है पिछले 7 साल। सरकार कहती है राइट आपको नहीं है, अधिकार आपको नहीं है, अधिकार किससे आएंगे? मान लीजिए हम आपकी बात बड़ी कर रहे हैं, देश के हित में, देश की जनता के हित में अधिकार अगर कोई हमारे पास नहीं है, तो अधिकार दे दो ना मोदी जी, हम मांग रहे हैं आपसे अधिकार।
फिर ले ले रहा हूँ वापस। अब इस कोरोना काल से देश की जनता को बचा लेने दो, इस कोरोना के फैलने से बचा लेने दो। वो राशन की भीड़ में एक लाइन में लग के मरे हैं, वो शराब की लाइनों में लग के मरे हैं, मरने दो क्या, मरने दें? मोदी जी बताओ, कुछ तो सोचो, कुछ तो विचार करो। और ये शुक्र है, मैं सबसे ज़्यादा इस कोरोना काल में अगर कोई भगवान के रूप में अवतरित हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अवतरित हुए, जिन्होंने ऑक्सीजन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की नाक में दम किया, तब जाकर के ऑक्सीजन मिलना शुरू हुई। और अब भी उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को नचा दिया, और उनका सारा का सारा चीज़ें जब सुप्रीम कोर्ट में नंगी होने जा रही थी, उनको रिपोर्ट देनी थी, तो अवतरित हो गए भगवान जी, अवतरित हो गए, आके घोषणा कर दी। यही तो हम मांग रहे थे, हम और इससे ज़्यादा क्या मांग रहे थे, दे देते आप पहले ही, इतना वंडर नहीं है। जबकि हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं जताया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लेकर, लेकिन अब ठीक है, जो भी उनका रास्ता है करें, लेकिन अब करें। खुले तौर पर राम निवास जी का बोलना है, जो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष हैं, कि ये सरकार की जो योजना है जिस पर रोक लगाई गई, सरकार ने बिल्कुल गलत लगाई है, हम चाहते हैं कि जब शराब जा सकती है लोगों के घरों तक, तो फिर ये या पीदा जा सकता है या और दूसरी चीज़ें जा सकती हैं, तो फिर अनाज क्यों नहीं जा सकता। सर दोबारा लौट कर अब हम लोग इधर आ गए हैं जी। मैम बताइए, क्या स्थिति है, क्या हालात हैं? नमस्कार, मैं यही कहना चाहूँगी, ये जो पेंडेमिक है, मैं 55 ईयर की हो गई हूँ, मैंने आज तक ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी है, और इस बार तो सेकेंड पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारी जाने गई हैं। और ये जो केजरीवाल सरकार की स्कीम है, ये बहुत अच्छी स्कीम है हमारे सीएम की, तो हम उनके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। पब्लिक का क्या रिस्पांस है? कि खाना तो चाहिए सभी को, और शायद पब्लिक रिस्पांस क्या है मैडम यहाँ पर? पब्लिक बहुत आ रही है, और दे आर वेरी हैप्पी विद इट, बिकॉज इस समय ना इनको आधार कार्ड की कोई कंपल्शन है, ना मोबाइल की कंपल्शन। योजना पर तो रोक लगा दी है, घर तक ले जाने पे क्या कहोगे आप उसके लिए? बहुत गलत काम किया गया है, क्योंकि वो होना चाहिए था। इट इज़ फॉर द, जो सरकार होती है वेलफेयर स्टेट होती है, उसको आप टीचर हैं? मैं टीचर हूँ। अच्छा, और मैं ये चाहती हूँ, चलिए 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 ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। चलिए आपके और रिस्पांस देते हैं क्या है, और इधर भी। अच्छा देखिए, सीमा जी भी है, सीमा जी ने बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में, क्योंकि प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं और आप भी बहुत अच्छे सब चीज़ें बताया, तो अब बताइए आप क्या कह रही थी, चीनी और गेहूँ है या और भी कुछ रखा है? चीनी और गेहूँ नहीं है सर, चावल और गेहूँ है, और पर बंदे में जो है हम 4 किलो गेहूँ दे रहे हैं और 1 किलो चावल, 5 किलो अनाज। सर एक ही जोन के या कोई बाहर के दूसरे जोन का भी आ सकता है? तो कोई भी आ रहा है हमारे पास सर, जिसके पास आधार मतलब राशन कार्ड जिसके पास नहीं है। आपको पता है कि कोविड वैश्विक महामारी हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे देश के लिए ही बहुत मतलब पूरे विश्व पर ही भारी है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उन लोगों को जिनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ राशन प्रोवाइड। दिल्ली से कोई भी आए, आधार उसके पास हो, तो वो आपके यहाँ से ले सकता है? आधार नहीं भी है तो भी हम उसको दे रहे हैं। अच्छा, हम उसका नाम, फ़ोन नंबर, या तो आधार है तो आधार से, नहीं तो फ़ोन नंबर से रजिस्टर कर लेते हैं, और फ़ोन नंबर भी ना होने की कंडीशन में हम उससे कहते हैं कि अपना एड्रेस वगैरह लिखवा दीजिए, उससे भी। अच्छा, ये प्रायोरिटी दिल्ली के लिए ही है, अगर कोई नोएडा से आता है, गाजियाबाद से आता है, या उसके लिए भी है? हमारे इस प्रेमिसेस में, इस गेट के अंदर जो भी आ गया वो सबको राशन कर ही जाएगा, सबको मिलेगा। सरकार की नीति है कि भूखा कोई भी ना जाए, इसलिए ये चलाया गया है। सही बात कही सीमा जी ने, कि भूखा कोई ना जाए और जो भी जाए वो सब। नमस्कार, हाँ बहुत, आप खुद ही देख रहे हैं व्यवस्था जो एक बार फेस टू में कि कितनी अच्छी तरह से शिद्दत से हम सारे ही लगे हुए हैं। देख रहा हूँ आपका स्टाफ और लोग सब, और लोग भी बहुत इसकी तारीफ कर रहे हैं इस बात की। हाँ, बड़ा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा है। ये कि जो सरकार की योजना है उसमें हमें पूरी तरह से सहयोग देना है। लाइन भी मैडम भादरा लंबी है, बाहर का तो हम बार बार कह रहे हैं, पर वो लोग कोशिश करके हम, आप लोग इसमें हमारा सहयोग दें। आप भाई साहब, ये वही लोग हैं बाहर, वही लोग हैं जिनको कल पर्ची मिल चुकी है, या कल जिनको लेना है वो आज पर्ची लेने आए हैं? इसमें क्या है कि हमने जब हमारा राशन दूसरे दिन बटा था, उसमें क्या हुआ था, कुछ लोग अंदर आ गए थे, तो हमने फिर उनके एक रजिस्टर में नाम लिख लिए थे, तो आज हमने फ़ोन करके उनको बुलाया है, तो उनको हमने पहले पर्चियाँ दी हैं जो हमारे, तो कोशिश तो हम यही कर रहे हैं कि पहले 25 हमने पर्चियां दी हैं वो हो जाएंगे। अच्छा, अब एग्जैक्ट हम बता इनसे। तो यानी दोनों ही भीड़ हो गई आपकी, जो कल पर्ची वाले थे वो भी, और जो पर्ची लेने वाले हैं वो भी, तो यानी एक ही जगह पर ये दोनों जमा हुआ, इस वजह से ये सब। हमने कोशिश तो उनको, अच्छा अच्छा अच्छा, फोन करके, अब वो हमारा डबल नहीं हुआ है जो हमारे पास। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, बाहर की जो भीड़ है मैं उसके लिए कह रहा हूँ। हाँ नहीं, उसमें वो एक्चुअल में हम बार बार उनको कहते हैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, कोरोना है अभी। मेरा सवाल दूसरा था इसमें। हाँ, चलिए मैं समझ गया आपके बाद जो आप कहना चाह रही हैं। हाँ, इसमें शायद डुअल ये सब चीज़ें हो गई हैं, और इधर अच्छा 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 मैनेजर साहब, सब प्रॉपर हो तरीके से, सब सही से चल रहा है।
एक बेनिफिशियरी को 4 किलो गेहूँ। हाँ वो सब बताया अभी आपने। हाँ इधर फाइनल रजिस्ट्रेशन हो रहा है मैडम, इधर क्या चल रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन सर, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो रही है यहाँ पर, ऑनलाइन भी और रजिस्टर में भी सर। अच्छा जी। यानी जितने आधार कार्ड जैसे कि उधर उन्होंने पीछे बताया तो उतने ही राशन नंबर ऑफ बेनिफिशियरी के बेस पर हम यहाँ पर स्लिप इश्यू कर दूंगी मैं इनको, वहाँ से राशन ले लेंगे। रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, कंटिन्यूस लोग आ रहे हैं सर। आँखों में वो सब चीज़ें नजर आती होंगी कि जरूरत थी और लोग पहुँचे इधर। बिल्कुल सर, जो नीडी है वो आ रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं लोग, उनको मिल रहा है, मिलना चाहिए। थैंक यू। बड़े क्लियर कट है, मिल भी रहा है, लोग भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं और इन्हीं सब के बीच में खड़ा हूँ। अच्छा, चावल है, राइस की क्वालिटी, चलिए मैं हाथ बोल तो गिर जाएगा, राइस आप खुद ही करके देख लीजिए जो क्वालिटी है वो भी ठीक है, वही जो SCI की जो सबकी जो क्वालिटी होती है चावल की, वो इधर है और इधर गेहूँ। तो मतलब कोई दिन ऐसा रहा है कि दिन खत्म हो गया हो, नहीं मिल पाया, लोग निराश गए हो? नहीं, बीच में एक बार ऐसा हुआ था राशन खत्म हो गया था, लेकिन अब हमने जस्ट डबल मंगा लिया है राशन, तो अब हो से आने वाले एक हफ्ते तक किसी को परेशानी नहीं होगी। डबल राशन आ गया है तो इसलिए एक अगले एक हफ्ते तक कमी नहीं होगी। ये भी है या और भी कहीं स्टॉक में है? अभी फिलहाल स्टॉक यही है, जैसे ये डबल है। अच्छा, दोनों साइड में लगी हुई है बोरी, तो यानी लब्बो लुभाव ये है कि अगले कई दिन तक का राशन मौजूद है, जो भी यहाँ पर आए चाहे वो राशन कार्ड के हो या बिना राशन कार्ड के, बिना राशन कार्ड वाले ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरी बात कि जिनके पास आधार नहीं है और वो अंदर आ गया है, भूखे पेट नहीं जाएगा, खाना तो लाजमी है, यानी कि उनको ज़रूरी अनिवार्य है, उनको देना ही देना। तो आइए, अगर आपके आसपास भी इस तरह के सेंटर्स हैं तो उनका लाभ उठा लीजिए। खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और 2 बार के लॉकडाउन ने आपकी, हमारी और हम सब की, पूरे मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है, तो इसलिए दोबारा से इसको सर्वाइव करना है। तो जहाँ से अगर ये बेनिफिट मिलता है तो अब उस बेनिफिट को उधर ले सकते हैं। अब मुझे और मेरे कैमरामैन हरप्रीत को इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही, आदाब, नमस्कार।